अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पैन में हमने एक टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे एक चम्मच जीरा। अब इसमें डालेंगे हम 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे 2 प्याज। प्याज को मैंने एकदम स्लाइस के तौर पे काट लिया है, अलग अलग स्लाइसेस की तरह। इसको हल्का सा सॉटे करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे सॉटे करेंगे। 2 मिनट के लिए हमने प्याज को सॉटे कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स करें इसे। अब इसमें हम डाल देते हैं हमारी कटी हुई भिंडी। तो भिंडी को मैंने इस तरह से 4 टुकड़ों में काट दिया है, बीच में स्लाइस डाल के। अच्छे से मिक्स करें। मीडियम आंच पर हम इसे पकाएंगे और बीच बीच में आप चलाते रहें। हम इसे ढक नहीं रहे हैं क्योंकि ढकने से जो है भिंडी में एक तरह से रोए और गीली सी हो जाती है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, बस इसको खुला छोड़ देते हैं। 5 मिनट तक हमने भिंडी को जो है धीमी आंच पे पकाया। अब हम इसकी फ्लेम को बढ़ा देते हैं और 2 मिनट के लिए हम इसे तेज आंच पे पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहे, नहीं तो नीचे से चिपकने या जलने का डर है, तो हम इसे चलाते रहेंगे। भिंडी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी बचे मसाले। तो बाकी बचे मसालों में हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, एक थोड़ा आधा और डाल देती हूँ, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ले लें। अब इसमें डालें 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। हम इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें जो 2 से 3 जो है हरी मिर्ची ले ली है और ब्लैक पेपर भी डाल दिया है, तो अभी हमें लाल मिर्च की ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करें। अब इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल करें अमचूर पाउडर। अमचूर से हल्का सा खट्टा सा टेस्ट आएगा जो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा लगता है, तो आप इसे अच्छे से मिक्स करें। मसाले डालने के बाद हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए और सॉटे करेंगे। बस हमारी भिंडी फ्राई एकदम तैयार है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट तरीका है बनाने का और बहुत ही इजी मेथड है। आप कभी भी इमीडिएट बना सकते हैं। थोड़ा सा स्वाद चेंज करने के लिए आप ये मेथड भी ट्राई कर सकते हैं, तो एक बार आप ज़रूर बना के देखें। अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।